14 जुलाई को इंदौर पहुंची के गृह मंत्री पौधारोपण के साथ प्रदेश के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का करेंगे लोकार्पण। कलेक्टर ने किया कार्यक्रम स्थल का दौरा। 14 जुलाई को देश के गृह मंत्री अमित शाह का इंदौर दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में गृह मंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में पौधारोपण के साथ ही प्रदेश के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का लोकार्पण भी करेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने कॉलेज परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर जाकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह का 14 जुलाई को इंदौर द्वारा प्रस्तावित है। ऐसे में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस सहित अन्य सभी विभाग मिलकर गृह मंत्री के इंदौर दौरे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह भी खुद पूरे कामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए माननीय गृहमंत्री जी के द्वारा जो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हैं जो मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में एक एक बनाए गए हैं, उनका उद्घाटन किया जाना है, शुभारंभ किया जाना है। उसके लिए उनका यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। अभी कार्यक्रम आया नहीं है लेकिन प्रस्तावित है और उसके लिए अभी से तैयारियाँ हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं। सभी विभागों के साथ में यहाँ पर एक विजिट हुई है और अगर कार्यक्रम फाइनल होता है जैसा कि आज या कल में हो जाएगा तो कहाँ पे रूम होगा और क्या चीजें यहाँ पर होंगी उसकी प्लानिंग करी जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।